अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं चिकन स्टीम रोस्ट। इसकी रेसिपी बहुत ही ईजी है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। स्टार्ट करते हैं बनाना। चिकन हमने फुल साइज़ में लिया है, उसको हमने कट लगा लिया है। दही हमने लिया है, 2 कप लिए हमने दही के। लेमन जूस लिया है हमने। स्पाइसेस हम अब इसमें ऐड करेंगे। गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, खुश्क धनिया 1 टेबलस्पून, लहसुन पेस्ट 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, अदरक पाउडर 1/2 टेबलस्पून, ज़ीरा 1/2 टेबलस्पून, टिक्का मसाला 2 टेबलस्पून, वाइट पेपर 1/2 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, लेमन जूस 2 मीडियम साइज़ लेमन हमने यूज़ किए। सारे स्पाइसेस हमने दही में ऐड कर देने 1 बाय 1। लेमन जूस भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको अब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा तैयार हो चुका है, अब हम इसको चिकन के ऊपर लगाएंगे। ये जो हमने कट लगाए थे इसके अंदर हमने अच्छे से मसाला डालना है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और जो ये बाकी मसाला बच गया था ये सारा वो इसके ऊपर लगा देंगे।
अब हमने चिकन पे अच्छे से मसाला लगा दिया है। अब हम इसको मैरिनेशन के लिए रख देंगे तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए। आठ घंटे हो गए, चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया है। आप देख सकते हैं अब हम इसको पकाएंगे, पतीले में पकाएंगे। अब हम चिकन को पतीले में डाल देंगे। और ये मसाला, इसका मसाला जो ये बच गया है वो भी हम इसके साथ ही डाल देंगे। अब हमने इसको तकरीबन 40 मिनट तक पकाना है, 20 मिनट एक साइड से और 20 मिनट दूसरी साइड से। फ्लेम हमने लो ही रखनी है और हमने इसमें पानी ऐड नहीं करना क्योंकि चिकन अपना पानी खुद छोड़ देगा। 20 मिनट हो गए, अब हम इसको चेक करेंगे नीचे वाली साइड। नीचे वाली साइड कुक हो चुकी है, अब हम ऊपर वाली साइड को कुक कर लेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, हमारा चिकन स्टीम रोस्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।